गौर फरमाना है आप लोगों के सामने आज फिर आगे बढ़ाते हुए टाइम एंड वर्क को मौजूद करते हैं आज ऐसे प्रश्नों को जहां हमेशा मुश्किलें आती हैं, लेकिन आज उन मुश्किलों को दूर करेंगे, उन प्रॉब्लम को दूर करेंगे। लेकिन गौर फरमाना है कि पढ़ने वाले क्या हैं। आज हम लोग वो पढ़ने वाले हैं जो डबल फॉर्म में आते हैं, ए बी बी सी सी ए, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं कैसे आसानी सॉल्व करना है, तो देखेंगे गौर से, ध्यान से। गौर फरमाना है आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है, और ये क्वेश्चन कैसे हैं, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को बी और सी, सी और ए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे आसानी से बनाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, आगे वाले जो क्वेश्चन आने वाले हैं जहां की मुश्किलें बढ़ती हैं बहुत इजी तरीके से बनाएंगे, बस देखना है गौर से। आप इसको हम दो टेक्निक समझाएंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, दो फॉर्मेट समझाएंगे, एक का करके दोनों समझेंगे, तो गौर करना है, देखना है ध्यान से क्या कहता है क्वेश्चन में। ए तथा बी 12 दिन में कर सकता है मिलकर, बी तथा सी मिलकर इसको 20 दिन में कर सकता है, और आगे कहता है सी और ए कर सकता है 15 दिन में। अब इस प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाते हैं, पहले तो वो काम निकालना है जो कि आपको हमने स्टार्टिंग से समझा रखा है ना। टाइम एंड वर्क जब से स्टार्ट किए हैं तब से आपको ये समझा चुके हैं कि पहला काम निकालना सबसे मेरा पहला काम होगा, तो पहले हम काम निकालेंगे, ऐसा नंबर जो तीनों से कट जाए, ऐसा नंबर जो तीनों से कट जाए, तो क्या करेंगे ऐसा नंबर, तो हम ले लेंगे 60, 12 से कट जाएगा कितने बार मेरा 5 बार में, 20 से कट जाएगा 3 बार में, और 15 से 4 बार में। इसको क्या कहते हैं, इफिशियंसी, कार्य क्षमता, मतलब 5 की स्पीड से काम कर रहा है दोनों मिलकर, और ये दोनों मिलकर 3 की स्पीड से, और ये दोनों मिलकर 4 की स्पीड से काम कर रहा है। पूछा क्या हमसे, ए बी सी मिलकर, मतलब ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेगा, है ना। तो कुछ नहीं करना है, टोटल काम कितना मेरा 60, और यहां सबका स्पीड जोड़ेंगे 5, 3, 8, 4, 12, कितना स्पीड हो गया 12 स्पीड हो गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे कितने बार में आ गया 12 से 5 बार में, तो 5 दिन आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे ए और बी का इफिशियंसी कार्य क्षमता है, बी और सी का भी इफिशियंसी, और सी और ए का, तो देखें तो यहाँ पे दो बार ए आ गया, ए और इसमें का ए, दो बार ए, इसमें का बी, दो बार बी, इसमें का सी, दो बार सी आ गया, मतलब दो सब ने दो दो मिलकर काम किया तो 5 दिन लगा है, मतलब दो दो है तो छः लोग हो गया, और तो 6 लोग मिलकर काम किया तो 5 दिन लगा है, अगर 3 लोग करेगा तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, मतलब कि 10 दिन लगेगा। तो आसानी से कर सकते हैं, बस कुछ करना नहीं होता है, जो दिया हुआ इससे जोड़ के भाग कर दिए और डबल कर देंगे तो हमारा निकल जाता है एबीसी का। ऐसे प्रश्नों में देखिए ये क्वेश्चन आप इजी से ऐसे बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे जब प्रश्न में जाएंगे ना तो ये पैटर्न थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकता है कि जोड़ के भाग दे दिए फिर 2 से गुणा कर दिए हो गया आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आप ऐसे बनाएं तो भी दिक्कत नहीं है, अभी जो सिखाने वाले हैं उसी बनाए तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे का हमको देखना है। सिर्फ एक क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करना है, पेपर में तो बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं और कुछ भी आ सकता है ना, तो इस कॉन्सेप्ट में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो अच्छे से बने, तो हम जो सेकेंड टर्म सिखाने जा रहे हैं उस पर फोकस कीजिएगा। बढ़िया, तो आते हैं उस पर। चलिए देखिए इसको हम लोग सेकेंड टर्म से कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, ए और बी जो दिया हुआ है करता है 12 दिन में, और बी और सी करता है हमारा 20 दिन में, सी और ए 15 दिन में, हमको ए बी सी निकालना है। तो मेरा पहला काम तो वही होगा जो काम निकालना है, ये कभी चेंज नहीं होगा, हम जो एक कॉन्सेप्ट दे चुके हैं आपको स्टार्टिंग में, पूरा अंत तक वही चलने वाला है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नंबर लेना है, काम निकालना है जो कि तीनों से कट जाए, 12 से भी कटना चाहिए, 20 से भी और 15 से, तो 60 ले लिए, 12 से कितने बार में 5 बार में, 20 से 3 बार में, और ये 15 से 4 बार में। हमें समझना है जो 5 दिख रहा है इफिशियंसी, ये 5 क्या सिर्फ ए का है क्या, या सिर्फ बी का है क्या, इन दोनों का 5 इफिशियंसी है, क्योंकि दोनों है ना इसमें। अब ये 3 जो क्या है, बी और सी दोनों का है, और सी और ए का ये 4 है, तो सबका ज्वाइंट ज्वाइंट में है, तो हम लोग यहाँ इफिशियंसी को अलग करके बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, अब कुछ नहीं करना है, ये 5 है 3 है, इसमें हमेशा माइनस करेंगे, 5 में 3 जाएगा, 3 जाएगा तो 2 बचेगा, जो बचेगा प्लस में 2 बचेगा तो प्लस कर देंगे यहाँ पे, तो 4, 2, 6, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 3। अब ये 3 जो आएगा ये हमेशा ए का इफिशियंसी आएगा, ए का इफिशियंसी, तो ए का कितना आया मेरे पास 3,
और ए और बी का कितना है 5, तो ए का 3 आया तो बी का कितना हो गया 2, तो 3 2 मिला के कितना 5 हो गया ए बी का, तो बी का 2 निकल गया। तो यहाँ पे किसका है, बी और सी का है ना, तो बी और सी का है, तो बी और सी मिला के कितना 3 है और बी का कितना आया था 2, तो बी 2 है तो सी कितना बच गया 1, और सी और ए का कितना है 4 है, तो सी और ए का 4 है तो सी का कितना निकल तभी हम 1, और ए का कितना निकल गया बच गया 3, 1 और 3 4 हो गया। तो देखिए ए का 3 और यहाँ पे ए का 3 मतलब सही है। अब हमसे क्या पूछा था, ए बी सी टोटल काम कितना मेरे पास 60 पूछा है कि ए बी सी मिलकर, तो ए एक दिन में कितना काम करता है 3, बी एक दिन में 2, 3 2 5 और सी एक दिन में 1, तो 5 और 1 6, तो मतलब तीनों का इफिशियंसी कितना हो गया 6, तो एक दिन में 6 काम करता है, एक दिन में 6 काम करता है, तो 60 काम करने में ए बी सी 10 दिन लग गया। थोड़ा सा लग रहा होगा कि आपको ये हो गया, लेकिन ये बहुत अच्छा है, इसलिए अच्छा है कि आगे वाला प्रश्न भी हमको बनाना है, ना कि सिर्फ यहीं पे हमको एग्जाम में बना के छोड़ देना है। और जरूरी नहीं कि यही वाला क्वेश्चन पूछेगा, इससे भी रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं, उन वो भी पूछ सकता है, इसलिए आप इस पैटर्न को समझिए सीखें। अगर तकलीफ लग रहा है तो बोलिए, हम फिर से समझा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक और क्वेश्चन लेकर समझा देते हैं। देखना है अगला क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि ए बी मिलकर काम करते हैं 12 दिन में, और फिर आगे कहता है बी और सी करता है 15 दिन में, और फिर सी और ए करता है 20 दिन में। तो इस बार हमसे क्या पूछा है कि तो ए उस काम को कितने दिन में अकेला कर सकता है ना। अब ए का निकालना, वो तीनों इस बार नहीं निकालना है, सिर्फ ए निकालना है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। अगर ए का इफिशियंसी निकाल लेते, कार्य क्षमता निकाल लेते हैं, तो आसानी से निकाल पाएंगे हम लोग। तो पहला काम क्या कि टोटल काम निकालना, काम करना कितना हमें, ऐसा नंबर जो तीनों से कट जाए, तो 60 ले लिए, 12 से 5 बार में, 15 से 4 बार में और 20 से 3 बार में हमको ए का एफिशिएंसी निकालना है। अभी जो फॉर्मेट समझाए थे, देखिए बहुत बढ़िया समझ में आपको फिर से आएगा। हमने क्या बोला था कि हमेशा इसमें घटाना होगा, तो 5 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा +1, तो +1 है तो यहाँ प्लस कर देंगे, अगर माइनस आएगा तो माइनस करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्लस आया इसलिए प्लस कर देंगे, कितना हो गया 4 और 2 से डिवाइड कर देंगे, हमेशा एक ही प्रोसेस करना है जो हम बता रहे अभी, 2 आ गया। अब ये जो आएगा एफिशिएंसी, ये हमेशा ए का एफिशिएंसी होगा, तो ए का एफिशिएंसी मेरा कितना आ गया 2, तो बी कितना बच गया 3, क्योंकि ए 2 है और दोनों का मिलाकर 5 है, तो ए 2 तो बी 3 हो गया। अच्छा बी का 3 आ गया तो यहाँ बी और सी कितना है 4 है, तो बी और सी का 4 है तो बी कितना है 3, तो सी कितना हो गया 1। अब यहाँ पे क्या था, सी और ए, तो सी का कितना आया मेरे पास 1 आया, तो ए का कितना हो गया 2 हो गया, तो देखिए ए 2 यहाँ भी 2 सिमिलर है। तो देखिए एक चीज़ तो हम सबका निकाल दिए, लेकिन इतना निकालना नहीं था हमको, सिर्फ ए का निकालना था मेरा, जो ए यहीं पे निकल गया था, ए का हमको सिर्फ ए चाहिए था, ए तो मेरा यहीं निकल गया था, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने सबका डिटेल से तोड़ दिया फिर से, कि आप फिर से बार क्लियर हो जाए, लेकिन आपको इतना करना नहीं है, हमको सिर्फ ए का पूछा था, तो पूरा काम कितना है 60, और ए एक दिन में कितना काम करता है 2, जो कि अभी हम यहाँ निकाले थे, भाग कर देंगे आंसर 30 दिन। तो देखिए कितना आसान है, ये सब करना जरूरत नहीं था हमको, कर दिए बस कि समझ जाए फिर से, आप सीधे ए निकाले, भाग किए, आंसर हो गया। अगर बी पूछता कि बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो बी का एफिशिएंसी कितना है, यहाँ देख लीजिए दोनों जगह सेम ही है, तो बी का 3 है, तो 60 को 3 से भाग करते निकल जाता। अगर सी का पूछता तो सी का एफिशिएंसी कितना है 1 है, 1 से भाग करते तो सी का निकल जाता। तो मतलब ये फॉर्मेट जो है ना बहुत मज़ेदार है, और हर क्वेश्चन को बनाने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। देखना है अगला क्वेश्चन आपके सामने और आ चुका है, और इसमें देखिए क्या है कि ए तथा बी, ए और बी करता है 8 दिन में, फिर दिया हुआ बी और सी जो है ना करता है 12 दिन में, और इस बार जो दिया ए बी सी तीनों वाला फॉर्म करता है 6 दिन में, और हमसे पूछा क्या है, पूछा ये है कि ए प्लस सी कितने दिन में करेगा, ये फाइंड करना है, इस बार ये निकालना है, और ये दिया हुआ और तीनों का दिया हुआ जॉइंट है ना। यही सब चीज़ सिखाने के लिए हमने आपको वो टर्न सिखाया, क्योंकि बहुत मज़ेदार है, कुछ नहीं करना है। आप देखिए तो जानते हैं कि पहला काम निकालना होता है। देखिए जो बच्चे सीधे इस वीडियो में एंट्री लिए हैं, तो हम तो कहेंगे पहले आप लोग हम पार्ट 1 में देख लीजिए, पार्ट 2 देख लीजिए,
जो स्टार्टिंग से वीडियोस डाल रखे हैं हम, उसको देखने के बाद आपको ये सब समझने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और एक यूनिक चीज़ समझिएगा आप लोग। इसलिए स्टार्टिंग से वीडियो देखिएगा जो पीछे डल चुके हैं, जो हमारे YouTube चैनल पे, हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, हमारे ऐप पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। तो देखना है यहाँ पे हम लोग ऐसा नंबर लेंगे जो तीनों से कट जाए। तो 24 लेते हैं, 8 से 3 बार में कट जाएगा, और 12 से 2 बार में, और 6 से 4 बार में। अब ये 3 जो क्या है, इफिशियंसी, ये 2 भी इफिशियंसी, 4 भी इफिशियंसी, कार्यक्षमता। अब 3 जो है ए और बी दोनों का है ना, मतलब इसमें ए और बी दोनों का है। 2 जो है बी और सी दोनों का है, और इसमें क्या है, तीनों का, ए बी सी का। तो गौर फरमाना है कि ए और बी दोनों का ज्वाइंट कार्यक्षमता कितना, एफिशिएंसी कितना है, 3 है। तो जब और यहाँ पे तीनों का ए बी सी, यहाँ पे तीनों के विशेष कितना है, 4 है। तो जब ए बी का 3 है तो सी का कितना बच गया, 1 बच गया। अब गौर फरमाना है बी सी का कितना है, 2। तो बी सी का 2 है तो ए कितना बच गया, 2 बच गया। और तीनों को मिला के 4 है तो 2 × 3 तो कितना हो गया, 1। बढ़िया, फिर समझा दे, क्या समझ में आपको आ गया होगा कि ए बी 3 है और ए बी सी 4 है। तो ए बी 3 तो सी के लिए क्या बच गया, 1। तो सी के लिए 1 बच गया, तो सी यहाँ 1 रख दीजिए, तो बी के लिए क्या बच गया, 1। तो फिर बी को यहाँ 1 रख दिए, तो आप आसानी से सेट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मेरे पास तीनों का इफिशियंसी आ गया, ए का भी, बी का भी, सी का, सिंगल सिंगल आ गया। पूछा हमसे है कि ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो काम कितना है मेरे पास, 24 काम है। ए और सी, ए का एफिशिएंसी कितना है, 2। सी का एफिशिएंसी कितना है, 1। तो 2 × 1 = 3, दोनों का एफिशिएंसी कितना होगा, 3। तो दोनों मिलकर काम करेगा तो एक दिन में 3 काम करेगा, 2 × 1 = 3 काम करेगा एक दिन में। तो एक दिन में 3 काम, तो 24 काम करने में, तो ए और सी 8 दिन लेगा। बढ़िया, समझ में आया ना, बहुत बेहतर से। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, तो देखना है हमें क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और बी मिलकर कार्य को 12 दिन में कर दे, मतलब ए जो बी है दोनों मिलकर कर देता है 12 दिन में, और फिर कहता है कि बी और सी उसी काम को करता है 15 दिन में। बढ़िया, और फिर कहता है ना कि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है। इसका मतलब क्या है कि सी जो है, सी की तुलना में ए, मतलब ए जो है सी के कंपेयर में उसका एफिशिएंसी ज्यादा है, तभी तो अच्छा काम कर रहा ना दुगना। तो मतलब कि सी का मान लेते एफिशिएंसी 1 होगा तो ए का क्या होगा, 2 होगा। यही कह रहा है, सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है, ए दुगना अच्छा काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि सी से डबल एफिशिएंसी होगा, इसलिए डबल अच्छा काम कर रहा है। तो हमने सी का एफिशिएंसी 1 मान लिया तो ए का 2 हो गया। बढ़िया, अब हम लोग यहाँ पे काम निकाल लेंगे, मेन फैक्टर तो यहीं पे हमारा काम निकालना। काम निकालने कितना काम हो गया, हम यहाँ पे 60 ले लेते हैं, 12 से 5 बार, 15 से 4 बार में। बढ़िया, पूछा है कि बी कितने समय में काम करेगा, तो गौर फरमाना यहाँ पे कि ये जो इफिशियंसी 5 किसका है, ए और बी का है। तो ए और बी का है तो ए का इफिशियंसी मेरा कितना है, 2 है, तो बी का कितना होगा, 3 हो जाएगा, है ना। अब मेरा काम तो यहीं से बन जाएगा, लेकिन हम उधर पे तोड़ लेते हैं। यहाँ पे किसका, 4 जो एफिशिएंसी है बी और सी का है, तो बी और सी का एफिशिएंसी 4 है, तो बी मेरा कितना आया था, 3, तो सी कितना बच गया, 1, 3 × 1 = 4 हो गया, और सी यहाँ 1 है और सी यहाँ भी 1 है। तो बढ़िया, अब हम मेरा सारा कंफर्म हो गया। बी के बारे में पूछा कि बी अकेला कितने दिन में काम को समाप्त कर देगा, तो काम मेरा टोटल कितना है, 60 है, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 3। तो बी एक दिन में 3 काम करता है, तो 60 काम करने में 20 दिन। बहुत अच्छा, समझ में आया ना, बढ़िया। तो देखना है क्वेश्चन हमारे पास अभी एक और आ चुका है, और देखना है क्या पूछा गया इसमें कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी 5 दिन में समाप्त कर सकता है, और फिर कहता है कि बी और सी, बी प्लस सी उसी काम को 7 दिन में कर सकता है। बढ़िया है, और ए और सी उसी काम को 4 दिन में, ए प्लस सी 4 दिन में समाप्त कर सकता है। तो इनमें से कौन अकेले सबसे कम समय में कर सकता है पूरा काम, पूछा कौन इनमें से अकेले सबसे कम समय में करेगा। तो हम लोग ये बताने के लिए पहले इफिशियंसी निकालेंगे,
तो इफिशियंसी कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, बता चुके आप लोगों को इस फॉर्म वाले को। ऐसा नंबर जो तीनों से कट जाए, तो 5 है 7 है और 4 है, तो देखिए 140 लेते हैं, क्योंकि 140 5 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। बहुत लोग हो सकता है कि सर हम नहीं पकड़ पाए कि क्या नंबर लें, तो हम बता चुके आप लोग को अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप एलसीएम ले लीजिए 5, 7 और 4 का, तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 140, है ना। तो अब देखना है 140 आगे कितने बार कट जाएगा ये 5 से, तो 5 2 10 और 8 बार में 40, ठीक है, 7 से 20 बार में, 4 से 4 3 12 और 4 5 20, ठीक है। तो कट गया हमारा, तो ये क्या निकला हमारा इफिशियंसी निकल गया। अब इफिशियंसी निकल गया, अब हमको मालूम करना सिंगल सिंगल इफिशियंसी, ए का सिंगल, बी का सिंगल, सी का सिंगल, कि इफिशियंसी तीनों का क्या है, क्योंकि इफिशियंसी मालूम चल जाएगा तो हम बता पाएंगे कि कौन कम समय में काम कर सकता है। तो दिखना है यहाँ पे, इसमें ए और बी का है, इसमें बी और सी का है, इसमें सी और ए का है, तो हम बताएं तो क्या कि इसको हमेशा माइनस करना है इसमें, तो 28 में 20 जाएगा तो प्लस 8 बचेगा, तो प्लस 8 तो प्लस 8 यहाँ जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे कितना आएगा मेरे पास 43 आ जाएगा, 43 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 21.5 आ गया। तो ये जो निकलता है ये किसका हमेशा निकलता है, ए का निकलता है हमेशा, ए का। तो ए का इफिशियंसी मेरा क्या आ गया 21.5, तो बी का इफिशियंसी क्या हो गया, तो दोनों का 28 है तो ए का 21.5 आया, तो बी का मेरा बच कितना गया 6.5। अब जब बी का निकल गया तो इसमें मालूम है कि 20 में क्या है, बी और सी दोनों है ना, तो बी और सी दोनों हैं, इसको हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं, बी और सी, इसमें बी और सी दोनों हैं, तो बी मेरा 6.5 है, तो सी कितना बच गया, तो सी बच जाएगा 20 में 6.5 बटा दीजिए तो बच जाएगा मेरे पास 13.5, है ना। तो देखिए ए का भी निकल गया, बी का भी निकल गया और सी का भी निकल गया। अब बताइए कि सबसे ज़्यादा इफिशियंसी किसका है, ए का ही तो है, क्योंकि ए का 21.5 है, बी का 6.5 है और सी का 13.5 है। तो इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता ज़्यादा है ए का, तो कार्य क्षमता जिसका ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा स्पीड से काम करेगा, सिंपल सी बात है कि समय सबसे कम लेगा, तो सबसे समय कम कौन लेगा, ए, तो सबसे कम समय काम को कौन समाप्त कर देगा, ए। यही हमसे पूछा था कि सबसे कम समय में कार्य कौन पूरा कर सकता है, तो ए। तो अब ध्यान देना है, जैसे कि हर बार क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक प्रश्न आपको देते हैं लास्ट में सॉल्व करने के लिए, तो आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना आप लोग को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।